बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया आ जाता है, जो कि आपने याद रखना है कि ट्रांजिशनल जोन को अफेक्ट करता है प्रोस्टेट के, और हाफ ऑफ मैन अबव 60 ईयर्स इससे अफेक्ट होते हैं। इटियोलॉजी में क्या है कि जो 5-alpha reductase है ये होता है प्रोस्टेट में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, जो कि टेस्टोस्टेरोन को 5-dihydrotestosterone में कन्वर्ट करता है, और ये जो है इन्लार्जमेंट करवाता है प्रोस्टेट की। आपने याद रखना है टेस्टोस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाय लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, मैकेनिकल और डायनामिक। जो मैकेनिकल कंपोनेंट है ये प्रोस्टेट से प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और जो डायनामिक कंपोनेंट है जो ब्लैडर और जो प्रोस्टेट है ना, ब्लैडर और जो प्रोस्टेट पड़ा हुआ है उसके स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से डायनामिक कंपोनेंट बनता है, और ये जो है इस डायनामिक कंपोनेंट की वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होगी स्मूथ मसल्स की ब्लैडर और प्रोस्टेट में, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस टू आउटफ्लो ऑफ यूरिन हो जाता है। आगे सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे, स्टोरेज और वॉइडिंग सिम्टम्स होंगे। स्टोरेज सिम्टम्स क्या होंगे, इसके लिए निमोनिक है फन वाइज, जो फन है वो स्टोरेज सिम्टम्स है और वाइज जो हैं वो वॉइडिंग सिम्टम्स हैं। स्टोरेज में क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और नॉक्टूरिया, और इसके अलावा आप ऐड कर लें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। W फॉर वीक स्ट्रीम, I फॉर इंटरमिटेंसी, S फॉर स्ट्रेनिंग, E फॉर एम्प्टिंग इनकम्प्लीटली, और दो आपने इसमें ऐड कर लेना है पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग और डबल वॉइडिंग। अच्छा अब हम देख लेते हैं F से फ्रीक्वेंसी है क्या होता है, ये एबनॉर्मली शॉर्ट टाइम होता है बिटवीन वॉइडिंग, ठीक है। उसके बाद U से क्या है, अर्जेंसी, बींग अनएबल टू होल्ड यूरिन आफ्टर फीलिंग द नीड टू पास यूरिन। उसके बाद फन एन से नॉक्टूरिया था, बींग वोकन इन द नाइट बाय द नीड टू पास यूरिन। उसके बाद वाइस वीक स्ट्रीम यानी पुअर स्ट्रीम, डिक्रीज यूरिन फ्लो विद लेस कैलिबर ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। और आई से क्या था, इंटरमिटेंट स्ट्रीम थी, जिसमें यूरिन स्ट्रीम स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन। एंड देन एस फॉर स्ट्रेनिंग है, यानी कि फोर्सफुल यूरिन जोर लगाना पड़ता है मैच्योरेशन करते वक्त। और एम्प्टिंग इनकम्प्लीटली में आ जाता है आफ्टर फिनिशिंग, देयर इज अ फीलिंग दैट देयर इज स्टिल यूरिन लेफ्ट इन द ब्लैडर व्हिच कैन नॉट बी एम्प्टेड, ठीक है। मैच्योरेशन की है उसके बाद जो है फील होता है कि स्टिल जो ब्लैडर है उसके अंदर यूरिन है और वो एम्प्टी नहीं हो पा रहा, ठीक है।